नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 10 और NCERT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। इन द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इन दिस स्पेसिफिक सेशन इज रिसोर्सेज एंड डिवेलपमेंट, यानी कि संसाधन और विकास। तो कितने तरह के संसाधन होते हैं और किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करते हुए हम विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, आपको बताया जाएगा आज के इस सत्र में। और आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट, और चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आप हैं श्री कुलप्रीत सिंह, आप PGT जियोग्राफी हैं, नवयुग स्कूल विनय मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम जी। और सर, इससे पहले कि हम ये सत्र शुरू करें, कुछ बहुत ज़रूरी बातें हम अपने सभी दर्शकों के साथ, खासतौर पर विद्यार्थियों के साथ हम शेयर करना चाहेंगे, ताकि उनके मन में जो भी प्रश्न आए वो बेझिझक हमसे जुड़ सकें और अपने प्रश्नों का उत्तर आपसे पा सकें। अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है dth.class10@cit.nic.in। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे हैं तो हमारे आप YouTube चैनल पर जाकर कई हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल, आपको वहाँ पे तरह और विभिन्न क्लासेस की, कक्षाओं के आपको वीडियोस और सेशंस मिलेंगे। अभी फ़िलहाल आप हमें कॉल और ईमेल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और इससे पहले कि ये सत्र मैं शुरू करूँ, आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिया G20 विद यू ऑल। We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifests the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly get back to the session, जिसमें हम बात करेंगे resources and development पे। और सर, सबसे पहले हम आपके से एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, और उससे हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस सवाल के साथ ही इस सेशन की शुरुआत हो। हम जानना चाहेंगे resources के बारे में। जब हम resources की बात करते हैं, when we talk about resources, are they completely gift of nature, sir? Free gift of nature, can we say that? Resources are not exactly free gifts. लेकिन इनको हम समझने की कोशिश करें, पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि resources होते क्या हैं। वो हम resource बोलते हैं। क्या होता है resource? कौन कौन सी चीज को हम resource कह सकते हैं और किस किस चीज को हम resource नहीं कह सकते? हम अपने एनवायरमेंट से कोई भी ऐसी चीज जो हमारी किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, हमारी किसी नीड को फुलफिल करती है, हमारी किसी जरूरत को फुलफिल करती है, उसको हम रिसोर्स बोले। एनीथिंग विच सेटिस्फाइज अवर नीड इज नोन एज रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पानी चाहिए, और वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग, तो द सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेटिंग द वाटर वील कॉल इट द वाटर रिसोर्स। लाइक फूड चाहिए तो एग्रीकल्चर या लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही हमें फूड मिल रहा है, एंड एग्रीकल्चर इज बेसिकली डन ऑन द लैंड, सो लैंड बिकम्स अ रिसोर्स, राइट? तो इसी तरह से मिनरल रिसोर्सेज, इसी तरह से एनर्जी रिसोर्सेज, जितनी भी तरह के हमारे रिसोर्सेज, जो भी चीज हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी जरूरत है, जिसको हम फुलफिल करने के लिए, अपनी किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम रिसोर्स करते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन रिसोर्सेज के साथ तीन चीजें जुड़ी हुई। पहली चीज कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। रिसोर्स ऐसा हो जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी से हम उसे एक्सेसिबल कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे सूर्य एनर्जी, सोलर एनर्जी तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से थी, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको डेवलप करने की। तो सोलर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी है तो इसको डेवलप किया जा रहा है। तो इसी तरह से पहली चीज है कि इसके लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिसोर्स को डेवलप करने में हमारा बहुत सारा खर्चा आ जाए और कोई भी रिसोर्स इतना एक्सपेंसिव हो जाए कि वो उसको लोग उसको यूज ही ना कर पाए, और उसको यानी इट शुड बी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल टू ऑल द पीपल। इसकी कॉस्टिंग जो है वो हमेशा एक
प्रिडोमिनेंट फैक्टर रहता है किसी भी रिसोर्स को डेवलप करने में कि वेदर द रिसोर्स इज इकोनॉमिकली फीजिबल या नहीं. थर्ड थिंग, कल्चरली एक्सेप्टेबल. द रिसोर्स शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल. लोग उसको यूज भी करें, लोग उसको प्रेफर भी करें, उसको अपना एक उस रिसोर्स का एडवांटेज भी लें. तो कल्चरली एक्सेप्टेबल. अब ये सारे के सारे रिसोर्सेस एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, अर्थ के ऊपर. नेचुरल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट या जिसको फिजिकल वर्ल्ड भी बोल देते हैं, उसके अंदर ये सारे के सारे रिसोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. ह्यूमंस इनको एक्सेस करते हैं, इनको यूटिलाइज करते हैं, हार्नेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड देन दे फॉर्म इंस्टीट्यूशंस. क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना रिसोर्सेज को एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट है. बहुत क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आप सिंपल टेक्नोलॉजी से सिंपल रिसोर्सेज तक ही जा पाएंगे. अगर उनको फॉर एग्जाम्पल हमें मिनरल्स निकालने हैं, जमीन के नीचे से निकालने हैं, तो जमीन के नीचे से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जमीन के नीचे खोदने वाली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप डीप माइनिंग कर सकेंगे. अदरवाइज माइनिंग हो नहीं पाएगी. सरफेस पे कलेक्शन हो सकती है लेकिन वहां सारे मिनरल्स अवेलेबल नहीं है. तो इसलिए टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी बहुत जरूरी है. और एक इंस्टीट्यूशन हम डेवलप करते हैं. इंस्टीट्यूशन का मतलब मैन अलोन कैनॉट परफॉर्म ऑल द जॉब्स. ही नीड लेबर, ही नीड एन इंस्टीट्यूशन. एक वर्किंग कम्युनिटी चाहिए और वो कम्युनिटी की हेल्प के साथ इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं. अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर जो था कि क्या ये नेचर के फ्री गिफ्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं. दे आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर बट दे आर नॉट फ्री. क्योंकि इनको डेवलप करने में ह्यूमंस के एफर्ट्स लगते हैं. इनफैक्ट इनको अगर हम देखें, इसको देखें, तो ह्यूमन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट रिसोर्स. क्योंकि वही उसको डेवलप कर रहा है, वही उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है. तो ह्यूमंस जब उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसमें इंस्टीट्यूशन यूज हो रहे हैं, तो फ्री गिफ्ट नहीं रहता वो. उसको डेवलपमेंट के बाद वो एक, हाँ, इतना कॉस्टली भी नहीं बनता, इतना इकोनॉमिकली फीजिबल रहता है, बट नो डाउट कि ये फ्री गिफ्ट नहीं है. जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से हम सभी को बताया कि क्या होते हैं रिसोर्सेज, संसाधन क्या होते हैं, और ये फ्री गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. इसमें बहुत ही समय लगता है और मैन मेड भी होते हैं. तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे रिसोर्सेज और संसाधनों के बारे में, क्या इन्हें क्लासिफाइड किया जा सकता है? देखो, यस, कैटेगरीज में सही नहीं, हाँ, बांटा जा सकता है. जी, रीजन देखिए, समझिए, देयर आर एन नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज, thousands and thousands of resources which are existing on the surface of the earth. Now, how to divide them? अगर उनको हमें classify करना है, उनको किसी group में हमें बनाना है, तो कैसे group की formation की जाए? तो कुछ ना कुछ हमें base लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें आधार लेना पड़ेगा, कोई ना कोई ground लेना पड़ेगा जिसके basis के ऊपर हम इनको classify करेंगे. तो we make use of certain ground, certain जिसको बोलते हैं basis, on the basis of which these resources are classified. सबसे पहला जो हमारा बेस होता है वो होता है ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब ये रिसोर्स ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, कहां से वो पैदा हो रहा है. और इस कैटेगरी के अंदर हम सारे रिसोर्सेज को दो कैटेगरी, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. वन इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड अनदर वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज. Biotic means living resources which we get from the living organisms like plants, animals, trees, humans. These are called biotic resources. And the resources which we extract from, like from minerals, from solar energy, from tidal energy, various other sources from the earth, then it is known as abiotic because they do not have life in themselves. So one is the living resources. Living resources means which we are getting from the living sources, living source. And the another one is non-living, abiotic. Another classification is based on exhaustibility, their prolongivity, their existence on the surface. Exhaustibility ke basis ke upar hum unko classify kar lete hain again in two categories, the renewable resources and non-renewable resources. Certain resources can be renewed, like soil is a resource which can be renewed. Right? Forest is a resource, can be renewed.
But there are certain resources which cannot be renewed. For example, minerals. If we make use of the minerals, petroleum, once it is used, it is used. It is exhausted. खत्म हो जाता है. तो वो ऐसा रिसोर्सेज जो खत्म हो जाते हैं, जिनको जो हम एक ही बार यूज करते हैं, उनको हम दोबारा से रिसाइकिल नहीं कर सकते, उनका दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरीज में डाल देते हैं. देन थर्ड डिविजन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मीन्स हु ओन्स द रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज किसके हैं? In this category, we divide it into four classes. First is individual resources, like individual mere resources, aapke resources, kisi ek particular vyakti ke resources. Wo koi bhi uski koi cheez ho sakti hai, wo koi bhi uski commodity ho sakti hai, wo usko use kar raha hai, to uska resource wo individual resource hai. Right? Second one is the community resources. Community means the whole community is taking advantage of those resources. सब लोग, पूरे लोग, जो पूरी community है, वो उन resources को use कर रही है. तो ऐसे resources को हम community resources बोल देते हैं. Then certain resources are known as the national resources, which are usually found within our territory, within our boundary, जो हमारे देश की boundary line है, उसके अंदर जो resources मिलते हैं, उनको हम national resources बोल देते हैं, क्योंकि वो भारत के हैं. और भारत उनका, यानी भारत के सभी नागरिक उसका प्रयोग कर सकते हैं. तो वो रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज. देन देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स, लाइक ओशंस. अब ओशंस तक एक पर्टिकुलर 12 नॉटिकल माइल्स तक तो एक कंट्री की बाउंड्री होती है, इसको हम इकोनॉमिक जोन बोलते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री का. लेकिन उसके बाद का एरिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर चला जाता है. तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंट्री, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर काउंट हो सकता है, तो ऐसे में कोई भी कंट्री उसको यूटिलाइज कर सकता है. तो ये जो रिसोर्सेज है, ये इस तरह से इनको चार कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. जी. देन देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को डेवलप किया गया. डेवलप करने के लिए अब उनके बेसिस पे हमने क्या किया, इसमें हमने डिवाइड किया अगेन फोर कैटेगरी. पहली कैटेगरी हमने बनाई पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल मींस दे आर लाइकली टू एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया बट वी हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट. वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, हमने उनको मेजर भी कर लिया, हम उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, बट यूज नहीं किया. तो अभी वो यूजेबल कैटेगरी के नहीं आ रहे. यूजेबल कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे तो हम उनको बोलेंगे पोटेंशियल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि आपकी पोटेंशियल तो 100% मार्क्स लेने की है, लेकिन आपका एक्चुअल स्कोर कितना आ रहा है वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि अगर आप अपना पूरा पोटेंशियल डालेंगे, पूरा 100% डालेंगे, तो 100% मार्क्स नहीं आएंगे. एफर्ट्स आपके कैसे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब कि आपकी पोटेंशियल रिसोर्स लाइकली टू एग्जिस्ट, वो वहां है, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे. सेकेंड कैटेगरी इज द डेवलप्ड वन. डेवलप्ड कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मैन पावर है, इंस्टीट्यूशन है, उससे हमने उन रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया है. एंड वी आर मेकिंग यूज ऑफ दैट एट प्रेजेंट. वी आर मेकिंग यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज. हम उन रिसोर्सेज को प्रयोग में ला रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, और उनको हमने डेवलप कर दिया है. तो वो इस कैटेगरी में आ गए, डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी. थर्ड हमारे पास है स्टॉक. स्टॉक का मतलब क्या होता है कि ये वो रिसोर्सेज है विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी We could not make use of it. हम उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इस प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के पास साथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हम सब जानते हैं कि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन है, एयर के अंदर भी हाइड्रोजन है, राइट? वाटर के अंदर H2O, दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स हाइड्रोजन के लिए. बट एट प्रेजेंट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू हार्नेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर. तो ये एक, इसको इस तरह के रिसोर्सेज जिसको हम एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी
यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं उनको हम बोलेंगे स्टॉक, दे आर द स्टॉक रिसोर्सेज. एंड द लास्ट वन इज द रिजर्व. रिजर्व मीन्स द अवेलेबल विद द प्रेजेंट टेक्निकल नो हाउ दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द सोसाइटी एंड वी नो हैव वी हैव मेजर्ड देम बट प्रेजेंटली वी हैव नॉट स्टार्टेड यूजिंग देम. अभी हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको रिजर्व में रखा हुआ है. सो दीज आर बेसिकली द वेरियस क्लासिफिकेशंस इनटू व्हिच वी हैव डिवाइडेड द होल रिसोर्सेज. आई होप आपको क्लासिफिकेशंस समझ में आया होगा. सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया. आई एम क्वाइट श्योर कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आए दोज वर दी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. और जैसे सर ने बताया कि चार तरह के रिसोर्सेज क्लासिफिकेशंस होते हैं. सर यहाँ पे अब हम आपसे जानना चाहेंगे व्हेन यू टॉक्ड अबाउट डेवलप एंड डेवलपिंग रिसोर्सेज राइट व्हाई इट्स सो नेसेसरी. सर रिसोर्स जो कि नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल हैं वो रॉ हैं. उनको यूटिलाइज करने के लिए हमने उनको डेवलप करना है. ओके. एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी लाइक वी कंज्यूम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक. और जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है वो कोल या पेट्रोलियम में अवेलेबल है. तो वो कोल और पेट्रोलियम से हमें कोल और पेट्रोलियम वाली फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसको इलेक्ट्रिसिटी वाली फॉर्म के अंदर. राइट. तो इलेक्ट्रिसिटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको डेवलप करना पड़ेगा. इसी तरह से रिसोर्सेज को डेवलप करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज द वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. रिसोर्सेज अगर नहीं डेवलप किए जाएंगे, आप देखिए पूरे वर्ल्ड का जो डिवीजन बना हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये डिवीजन हमने किस ग्राउंड पे बनाया गया है. हम लोग बोलते हैं ना दीज कंट्रीज आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, दे आर कॉल्ड नॉर्मली दे आर right sir they are called the developing countries. Then most of the countries of the East Africa they are called the underdeveloped countries. Why? On which ground? Basically kya hai ki in jin countries ne apne resources ko develop kar liya hai they are now classified as developed countries. क्योंकि वो अपने resources को उन्होंने develop किया, इससे वो economically developed हो गए. एक उनके income levels बढ़ गए और इकोनॉमिकली वो डेवलप हो गए तो उनकी कैटेगरी अब क्या हो गया कि अब वो बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. तो हमारा ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ही रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है. तो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उनको डेवलप किया जाए. अब क्यों डेवलप करना जाए, इसकी प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है, क्यों डेवलप करें हम इनको. रीजन अगर इन रिसोर्सेज को आप डेवलप नहीं करोगे तो आप तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह जाओगे, पीछे रह जाएंगे. नहीं हम अगर इलेक्ट्रिसिटी के नए सोर्सेज को एक्सप्लोर नहीं करते, सोलर एनर्जी या जितनी भी हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, अगर हम उनके डेवलप नहीं करेंगे तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा बर्डन तो आप डाल ही नहीं पाओगे क्योंकि वो तो एग्जॉस्टेबल कैटेगरी के अंदर है. विल हैव टू लुक फॉर सम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ ना कुछ दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी. तो इसलिए हमारे इन रिसोर्सेज को डेवलप करना बहुत जरूरी हो जाता है. और ह्यूमंस एक कह सकते हैं ऐसी स्पीसी है जो इन रिसोर्सेज को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर इजीली डेवलप कर लेते हैं. जी जी मैम. सर ये तो आपने बताया कि किस तरह से रिसोर्सेज को डेवलप करना ज़रूरी है. सर हमारे पास समय कम है, हमारे पास तकरीबन 4 मिनट का 5 मिनट का समय और शेष है. हम आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि किस तरह से वो हेल्पफुल हो सकता है जब हम बात करते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से मदद कर सकता है. सर देखिए रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल नहीं होता. इक्विटेबल का मतलब है हर जगह सारी जगह रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. रिसोर्सेज की जो लोकेशन है अवेलेबिलिटी है वो एक सर्टेन एरिया सर्टेन पॉकेट्स में अवेलेबल है, किसी पॉकेट में नहीं अवेलेबल है, किसी जगह अवेलेबल है. तो उसके लिए अगर क्या है कि हमको इफ वी हैव टू लीड अ सस्टेन्ड लाइफ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और पूरी ग्लोबल पीस चाहिए तो हम उन रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ना होते हुए भी एक इस तरह से डेवलप करें कि
के उसके वहां तक सबकी एक्सेस पहुंच जाए। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? नॉर्मली होता क्या है, जब हम रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं तो हम एनवायरमेंट को डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं, डिग्रेडेशन कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो या तो ओवर एक्सप्लॉयटेड हो जाते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है, और या उसका अंडर यूटिलाइजेशन रह जाता है। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उनको डेवलप तो करना है लेकिन फ्यूचर जनरेशंस अपने एनवायरमेंट को स्पॉइल करे बिना बिना खराब किए ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जो नॉन पॉल्यूटिंग हो, जो उस तरीके से हेल्प करे। और इसमें हमारे पास इनफैक्ट 1992 में एक समिट हुई थी रियो डी जनेरियो, जिसको अर्थ समिट बोलते हैं, राइट। उस अर्थ समिट के अंदर करीब 100 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था एंड दे ऑल हैव पास एन एजेंडा 21, जिसको बोलते हैं एजेंडा 21। वो एजेंडा 21 क्या था? वो 21 एजेंडा दे हैव अडॉप्टेड कि ये वो काम करेंगे, 21 सच पॉइंट्स वर देयर कि ये दे विल डू टू कॉम्बैट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डैमेज, पॉवर्टी, डिसयूज एंड इनफैक्ट डिजीजेस, एंड आल्सो थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। तो ग्लोबल पीस जो है वो एक तब एनहांस हो सकती है, वो तभी बढ़ सकती है जब हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल अडॉप्ट करें और उसको हम आपस में सब लोगों को यानी एक्सेस सबकी रहे। इवन द कंट्रीज विच डू नॉट हैव दोज रिसोर्सेज, दे ऑल्सो हैव राइट टू एक्सेस दोज रिसोर्सेज, उनके पास उनका भी रिसोर्सेज हो, उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज वो भी कर पाए। तो ये एक पूरा एक समिट का, इस पूरा समिट का एक जिसको कह सकते हैं जिस निकला था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। Exactly. इस समय की प्रेजेंट की जरूरत है। पॉल्यूशन या हम देख रहे हैं डिजीज़, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर देयर। इनसे हमें अब प्रोटेक्ट करना है। हमको टेक्नोलॉजी नई अडॉप्ट करनी है, नए मेजर्स अडॉप्ट करने हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज को लंबे समय तक चला सकें। एग्जैक्टली और सर ये भी कहा गया है कि सारे संसाधन क्योंकि हमारे लिए नहीं है, हमें अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी वही रिसोर्सेज छोड़ने हैं ताकि वो ये ना कहें कि हमारी पिछली जनरेशन ने सारे रिसोर्सेज का दोहन, हम एक तरह से कह सकते हैं ये शब्द ज़्यादा सही है इस्तेमाल करना, कर लिया है। सर यहाँ समय हमारे पास कम है, तकरीबन एक मिनट का समय शेष है, लेकिन यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग की तो वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए। सर देखिए, प्लानिंग इज बेसिकली इज अ स्ट्रेटेजी, इट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम प्लानिंग क्यों अडॉप्ट करते हैं? प्लानिंग बेसिकली अडॉप्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ एरिया सेल्फ सफिशिएंट है, कुछ एरिया डेफिशिएंट है। सर एक मिनट में जानना चाहेंगे, सर संक्षेप में जानना चाहेंगे। जी जी, प्लानिंग के बिना हम रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर सकते। रीजन, प्लानिंग हमारे पास इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें हम उसकी इन्वेंट्री तैयार करते हैं, उनका मैपिंग वगैरह, सर्वे वगैरह करते हैं, देन वी असेस अवर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स, एंड लास्टली वी मैच द प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये स्टेजेस हैं जिनके थ्रू हम प्लानिंग को डेवलप करके और अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। जी तो सब बहुत बहुत धन्यवाद। एज़ वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, वी हैव टू रैप अप दिस सेशन हेयर ओनली, बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलप्रीत सर, हमसे आप जुड़े और आपने इतने अच्छे से डिटेल में हमारे सभी स्टूडेंट्स को बताया रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच सर। और अपने सभी देखने वालों से कहेंगे कि रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड हैं और उनका जो इस्तेमाल है वो हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, सतत विकास की तरफ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे ही हाथों में है ताकि हमारी भावी पीढ़ी इन सभी रिसोर्सेज का उसी तरह से उपयोग कर सके जिस तरह से हम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम अपने एक और लाइव इंटरैक्टिव फ़ोन इन सेशन के साथ हाजिर होंगे जो कि साइंस के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक है हम बीमार क्यों पढ़ते हैं। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, लेकिन एक बहुत जरूरी सूचना मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी रिगार्डिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी।
We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, me, Renu Bhatt, is taking your leave. Namaskar.